बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, हम वापस आ चुके हैं। चुप जनाब, ये मैच है 18 चक वर्सेस सर। नहीं जनाब, वाइड नहीं दी गई, अंपायर की तरफ से वाइड नहीं दी गई जनाब। टीम की थोड़ी सर। अली भाई, हेलो अली भाई, टीम के थ्रू पांच चार बालक जमा गुजरात ने एक और नजर गुजरात ने एक और नजर वकास गुजर है जनाब वाले। 5 चक की टीम है वर्सेस 18 चक। अफीज बैटिंग पे है जनाब, अच्छी बॉलिंग और छक्का, चार रन जनाब, ये काउंट नहीं होंगे। अठारह चक की जनाब टीम बैटिंग पे है, 5 चक की बॉलिंग पे है, अच्छी बॉलिंग करते हुए गुजर। यार वाइट बॉल हुई जनाब, ताज ताज मोबाइल यार गाल गाल चाल करा मैं ताज। हम फाइनल बात के यार गले इसके चाचे ने फुल होना आज अच्छी बॉलिंग करते हुए जनाब गुजर। गुजर अच्छी बॉलिंग करते अच्छी बॉलिंग करते हुए 5 चक की टीम जनाब 18 चक के साथ। और इस बार अच्छा शॉट हफीज का 6 रन के लिए, इस बार हफीज अच्छा शॉट खेले 6 रन जनाब, 18 चक की टीम को 6 रन मिले। वकास गुजर अच्छी बॉलिंग करते हुए, ये बॉल भी अच्छी थी लेकिन हफीज ने बहुत अच्छी बॉल फेंकी और 6 रन लगा दिए। दिलचस्प मैच जनाब, दूसरा राउंड जारी। और जनाब एक ऊंचा शॉट, देखना होगा क्या होता है। नहीं जनाब, 4 रन हुए हैं लेकिन वो काउंट नहीं होंगे। अच्छी बैटिंग करते हुए हफीज, रोटी खवाओ कमेंटेटर नु। बहुत ही अच्छा बॉल, बहुत अच्छा बॉल लेकिन भाई अच्छी स्पीड के साथ अच्छी बॉलिंग करते हुए हफीज, अच्छी बैटिंग करते हुए। बोतल चाक पानी चला और यहाँ पे एक बहुत अच्छी बॉल स्पीड के साथ बॉल हुई बीट जनाब, अच्छी बॉलिंग की वकास गुजर है। दूसरा राउंड जारी है जनाब, हारने वाली टीम घर जाएगी, जीतने वाले अगले राउंड में जाएगी। बहुत अच्छा मैच हो रहा है जनाब,
पांच चौक की टीम बैटिंग करेगी, 18 चौक की टीम बॉलिंग करेगी, हफीज ने बहुत अच्छी बैटिंग की। पानी बैट्समैन आ चुके हैं जनाब अली पांचा, नासिर 18 चार के जनाब बॉलर है, और टूर्नामेंट कौन जी 15 वाला वो ही होंगे हैं बॉलर बस रह चुकी है फाइनल बीच में जीत गए अगू पता नहीं क्या टीम बॉलर नंबर 15 लगातार दी एंट्री चेक कर खुद ना मेरी गल मेरा फोन नहीं चला अच्छा बाल जनाब नासिर 18 चक बाबा कौन आंदा बाबा ने ट्रैक पे कौन बाबा बाबा बड़ा मैच है यार पांच बार दो छक्के है इसमें जो सीख ला रहे आज सर सर जी ऐसा करो पांच बार दो छक्के ने जी शमी रात यार मैं शमी के नाक बांध में चलो फिर तो चले यार क्या खबर अच्छा शॉट जनाब 6 रन अली पांच चक ने बहुत ही अच्छा शॉट खेला 6 रन के लिए जहीर की जानिब से बहुत ही उम्दा शॉट कवर की जानिब खेला और 6 रन एक और अच्छा शॉट जनाब पांच अंक की टीम की तरफ से बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हुए और इसी तरह जहीर ने ये मैच जीत लिया और नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। इसी तरह हफीज टूर्नामेंट से बाहर। नेक्स्ट मैच जो है वो जिशान वर्सेस तोमर के दरमियान में खेला जा रहा है। अठारह चक के बहुत ही बढ़िया प्लेयर बाबा और बैटिंग करने के लिए है जिशान की जानिब से बैटिंग मेरे ख्याल में जो है वो इन कर तू और जाग जा के ना मोटू में पानी पिलाओ शेयर कर ओ सामने जाग पे गिलास में चार ले जाग भी भाई ने पानी पिलाने वाला है एक मिनट ट्री वाला ओ सामने पे चार ले बस तू और चार ले इंतजामिया से गुजारिश है जनाब करण अर्जुन आ गया है सुबह का निकाल लिया एक मैच है इसके बाद एक मैच है फिर जो है वो बॉलर है
18 चक वर्सेस जावरी। पहला मैच खेल रही है जावरी, पिछले राउंड में इनको बाई मिली थी, इनकी मुखालिफ टीम आई ही नहीं थी। अठारह चक वर्सेस जावरी, पहली बॉल वाइड, दूसरी बॉल वाइड जनाब, जूस लेके आ रहा शाबाश दुल्ले शाबाश पानी जल गया। हां ठीक है भाई, मिनट तो हो गया मंगला का चाचा दे शाबाश शाबाश देना शाबाश अली ले लिया सब ने मारी गई बात पानी ठीक है खेला है कौन ये दलीटर पीता कितने की इंतजामिया से गुजारिश है आ रही है जरा वाइड बॉल जनाब वाइड तीन स्कोर एक्स्ट्रा के दे चुके हैं ये नहीं और जॉन गया अली ओ बैठ चिट्टे कपड़ा लेने करो बोल बहुत शर्ट पायो अभी तक इनके सिर्फ एक बॉल दो बंदे पिच खर्चा बड़ा जनाब जो है वो बाई दे दिया है नासिर को आसिफ को और वो नेक्स्ट ओवर में चले गए। सारे प्लेयर से गुजारिश है भाईजान आ जाए जो जो टीमें जीती हैं मैच और यहाँ पे एक अच्छा खूबसूरत 6 रन के लिए बहुत ही अच्छा शॉट जनाब जावरिया की टीम की तरफ से एक अच्छा शॉट 6 रन के लिए। नहीं एक और इनको शॉट करना होगा फिर मुखालिफ टीम को 3 छक्कों का टारगेट मिल सकता है। एक पावरफुल शॉट और खेलना होगा जिशान साहब को, हाफिज जिशान जावरिया चौक के और पहुंचा जनाब इख्तिताम को, 2 छक्के डिफेंस करने होंगे जनाब हाफिज अबू बकर, 2 छक्के डिफेंस करने होंगे हाफिज अबू बकर को। अच्छी बॉलिंग सुल्फकार की, असर 18 छक्क आ रहे हैं, 18 टीम लैग एंट्री तो तब खेलने देना नहीं तो नहीं खेलने देना ठीक है। बाबर इस एंट्री कौन दी थी अब जो है वो मेरे ख्याल में स्क्रीन साफ करो भाई। नहीं नहीं ज़ुल्फ़िकार दी एंट्री हुई हुई यार तेन दिखाई नहीं चाचू हुई हुई अगले मैच
ढाई गेंद दी की जनाब टीम को हाफिज अबू बकर को दो छक्के डिफेंस करने होंगे। हाफिज ईशान की थोड़ी सी गंदी बैटिंग आए जनाब बॉल के लिए पहला बॉल और बॉल का इशारा बॉल अग्रेसिव बात सुबह के भाईजान बैठे हुए हैं लेकिन अभी मैच मिला है इनको इंसान थक जाता है फील्डरी बात है लेकिन जब सुबह ये आए थे तो काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे लेकिन अभी तो बॉल भी नहीं पहुंच रहे सुबह सोना मैच ज्यादा शायद जीत जाने का और उतने ही अच्छे बैट्समैन हैं बाबर फ्रॉम अराचक अराचक की बहुत ही बढ़िया सेड है हाल ही में 5 साल में टूर्नामेंट में फाइनल में जगह बना ली है 18 चक ने और उसका अभी एक और यहां पहली बॉल पे 6 रन लगा लिए बाबर 18 चक ने बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए और उसका जो दूसरा सेमीफाइनल है एक छक्का और चाहिए होगा 18 चक की टीम को एक छक्का डिफेंस करना होगा हाफिज अबू बकर को उनके मेरे ख्याल में और उसकी वजह से मैच जो है प्ले किया गया है और उसके फाइनल नहीं यहां पे हाफिज अबू बकर नाकाम रहे छक्का डिफेंस करने में और यहां पे बाबर ने 2 छक्के लगाए के लिए खेल दिया मैच जीत लिया बाबर भाई आ जाओ जुल्फिकार भाई सारे बिलाल बाली भी जो है वो टूर्नामेंट से जनाब जावरिया की टीम टूर्नामेंट से आउट 18 की टीम जनाब अगले राउंड में जावरिया की टीम को जाना होगा वापस साउंड वाले ने दुआ दो यार हां बे क्राउड है जनाब वर्सेस रिजवान टीचर पहला मैच जहीर सतारा वर्सेस मोल भी चल रिजवान टीचर जहीर दा रिजवान टीचर ओ बड़ा खतरनाक मैच जहीर सतारा जहीर सतारा के लिए बहुत ही खतरनाक मैच जनाब रिजवान टीचर बाबा एक्सपीरियंस बंदा अली बाबर 18 विकास गुजर सही 5 चक वर्सेस बाबर 18 चक के दरमियान ये मैच टॉस आज नहीं करें जनाब पहला टॉस है जनाब टॉस वाले तुरी जी किधर हो अच्छा जी क्वार्टर फाइनल शुरू हो गए कंफर्म बहराम क्वार्टर फाइनल है जनाब क्वार्टर फाइनल शुरू हो चुके हैं क्वार्टर फाइनल स्टार्ट हो गए जनाब जहीर सारा शक उमर डगमा वर्सेस रिजवान तेजशक यहां पे आपको छोटा मैच देखने को मिल रहा है अच्छा मैच है जनाब एक बैट्समैन आगे एक पीछे और एक उसके पीछे जिसके नसीब में बॉल हुई उसके बैट पे आप लगेगी अच्छी बैटिंग करते हो जनाब एक दूसरे की कमर में बैठ लेते हैं जनाब रिजवान तेजशक टॉस कौन जीता जी
बैटिंग जो है 23 चक ने टॉस जीत के 17 चक को बैटिंग दी जनाब। उमर डगवा जही 17 चक और 23 चक का मुकाबला जनाब। सवर रिजवान 23 चक, सवर 23 चक। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला जनाब। क्वार्टर फाइनल शुरू हो चुके हैं। पहला मैच है 17 चक वर्सेस 23 चक। 17 चक के साथ उमर डगवा खेल रहे हैं जनाब, जहीर के साथ। क्वार्टर फाइनल शुरू हो गए हैं जनाब, दिलचस्प मरला। यहाँ पे जनाब दो एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं 23 चक के, रिजवान और सवर। इनका सामना करना होगा जहीर और उमर डगवा ने। क्वार्टर फाइनल शुरू हो गए हैं जनाब। आपसे गुजारिश है कि इस लाइव को आपने अपनी फेसबुक आईडी पर शेयर करें। क्वार्टर फाइनल शुरू हो चुका है जनाब। जहीर सामना करेगा सवर 23 चक, लेकिन अभी तक जहीर कहीं नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तेज के डेंजरस बॉलर सटदा वो खड़े हैं, समझ नहीं आती है। तेज बॉलर होने के बाद शॉट मार रहा है। नेक्स्ट मैच है जनाब, ईशान वर्सेस यार धूप उड़ के लग मुझे धूप कोई नहीं जी जनाब। मैच शुरू हो गया, बैट्समैन अभी तक नहीं आए, बैट्समैन विकेट की तरफ आते हुए। जहीर मुकाबला करेंगे तसवर 23 चक, एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं तसवर साहब। स्लो कर दे ही बाल। जहीर को सामना करना होगा जनाब 23 चक के दो तजुर्बाकार प्लेयर। यार अब्दुल्ला खुड़ी ने प्यार क्यों? क्वार्टर फाइनल जनाब पहला शुरू हो चुका है, 23 चक वर्सेस 17 चक। पहली बॉल सवर 23 चक, यहाँ पे पहली बॉल हुई बीट जनाब। बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए जनाब। पहला क्वार्टर फाइनल शुरू हो चुका है जनाब, पहला क्वार्टर फाइनल शुरू हो चुका है 17 चक वर्सेस 23 चक। और यहां पे वाइड बॉल जनाब, बड़े ही निशाने के साथ बॉल लगी है वाइड को आगे जनाब। अच्छी बॉलिंग करते हुए, अच्छे निशाने के साथ। और यहाँ पे एक अच्छा शॉट जहीर का 6 रन के लिए, बहुत ही अच्छा शॉट जहीर का। उमर डगवा जनाब है बॉलर जहीर के, सवर बॉलर है 23 चक, इनके बैट्समैन है रिजवान 23 चक के। अच्छा क्वार्टर फाइनल है, दिलचस्प मरला। और यहाँ पे खूबसूरत शॉट जनाब 6 रन के लिए। पहला क्वार्टर फाइनल बहुत ही अच्छी बैटिंग, दिलचस्प मैच है जनाब। दो अच्छी टीमों का मैच है। उमर डगवा जहीर 17 सवर 23 चक, रिजवान 23 चक। अजान हो रही है जनाब, चार गेंद हो जाए। मैं बस 60 पे कूद गया शाबा, एक 6 करनी और मैं तो दत्रया इकट्ठे ही कर दूं। तकीर भाई को चाहिए एक 9 नहीं होनी यार, अगर ये दो बाले देनी मिस करते हैं तो फिर ही जो है आप अपनी टीम को मैच जितवा सकते हैं। तीन छक्के लगाए हैं जनाब जहीर 17 चक ने, 4 छक्कों का टारगेट मिला है जनाब 23 चक की टीम को। उमर डकवा के बॉलर हैं,
नहीं उम्मीद की उम्र बनने देंगे, लेकिन आगे से तजुर्बा कार बैट्समैन है रिजवान है। उमर डकवा बॉलिंग पे आएंगे, चार छक्कों का टारगेट है 23 छक्के की टीम के लिए। बहुत अच्छी बैटिंग की जनाब जई ने, 3 छक्के लगाए हैं उन्होंने, तौकीर 23 छक्के। फाइनल जीतते हैं तो बात ना, फिलहाल चुप करवाना बाद दारत विक्सान के चल। पहला क्वार्टर फाइनल है जनाब 23 छक्क वर्सेस 17 छक्क। उमर डकवाया जनाब बॉल करने के लिए, पहली बॉल और यहाँ पे जनाब बॉल हुई डॉट, बहुत ही अच्छी बॉल स्पीड के साथ उमर डकवा, 5 बॉलों पे 4 छक्के चाहिए 23 छक्कों जनाब आगे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। जीतने वाली टीम आगे जाएगी, हारने वाली टीम वापस घर जाएगी। हारने वाली टीम के लिए अगले दरवाजे बंद। बहुत अच्छी बॉलिंग जनाब उमर डकवा की, मैच दिलचस्प होते हुए पहला क्वार्टर फाइनल 17 छक्क वर्सेस 23 छक्क। उमर डकवा दूसरी बॉल के लिए आए और अच्छी बॉलिंग उमर की, 2 बॉलें बीट हुई, 4 बॉलों पे 4 छक्के चाहिए जनाब 23 छक्क को अगले राउंड सेमीफाइनल में जाने के लिए। 1 बॉल और बीट होती है फिर मैच लेवल के चांस होते हैं, विनिंग चांस खत्म हो जाएंगे 23 छक्क के लिए। नहीं नहीं भाई ऑर्डर ठीक है, मिठाई के मैं बहुत ही अच्छी बॉलिंग उमर की और होटल वाले दे और यहाँ पे 4 रन हुए जनाब उमर डकवा सेमीफाइनल में जाते हुए नजर आते हुए। हारने वाली टीम के लिए अगले दरवाजे बंद जनाब, उनको वापस घर जाना होगा। पहला क्वार्टर फाइनल 17 छक्क वर्सेस 23 छक्क जनाब उमर डकवा बॉलर, जलेबी चलती 5 स्टार तो लाया मैंने तो हुसैन आदा 5 स्टार तो लाया मैंने तो हुसैन ये हुसैन हुसैन अच्छी बॉल है जनाब उमर डकवा, आखिरी उम्मीद आखिरी बॉल और इस बॉल पे छक्का जनाब, बहुत ही खूबसूरत शॉट रिजवान नहीं सर छक्का नहीं हुआ, छक्का हुआ है जनाब बाउंड्री के साथ जाके लगाया 2 बॉलों पे 20। तू जिताया है ना, ना तू तो मैं और बहुत ही अच्छी बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल 17 छक्क की टीम सेमीफाइनल में जाते हुए जनाब, एक टीम कंफर्म हुई है 17 छक्क, बड़ी डेंजरस टीम आई है ना, 23 छक्क को वापस घर जाना होगा। जहीर और उमर डकवा पहले पहली टीम सेमीफाइनल में पहुंचे, बहुत अच्छी बॉलिंग जनाब बहुत अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग जनाब टीम है, बड़ी डेंजरस टीम है ये। दूसरा मैच है जनाब नूरपुर वर्सेस 4 छक्क, दूसरा क्वार्टर फाइनल है जनाब नूरपुर वर्सेस 4 छक्क, जनाब जो भी बची है अच्छी टीमें बची है, बहुत ही अच्छा मैच जनाब। एक टीम जनाब सेमीफाइनल के लिए सिलेक्ट हो गया 17 छक्क की टीम, दूसरा क्वार्टर फाइनल 4 छक्क वर्सेस नूरपुर। पहली बॉल जनाब डॉट, अस्सलाम वालेकुम, इतने ग्राउंड है जी, ग्राउंड है शामी टाइम तो की बन जा रहा शामी, चल ठीक है
पहली बॉल जनाब बीट, दूसरी बॉल फिर से बीट, डॉट बॉल हुई जनाब। शहजाद अच्छी बॉलिंग करते हुए और यहाँ पे अच्छा शॉट बाली चार चाक का, अच्छा शॉट, छह रन जनाब। जीतने वाली जनाब टीम जाएगी सेमीफाइनल। अच्छा बॉल जनाब, अच्छा बॉल, बहुत ही अच्छा बॉल। टीम ना ले, नहीं नहीं है ना, चल जेड दो टीम खेल रही है ना। मैं बल्ले से चला हैं, मैं बॉल ना ले, बॉल ना ले, ठीक है। मैं तंदर से मैं नेक दे लूँ, मैं दिनीबू वाली नाम दिनूल ले। और जनाब ऊंचा शॉट देखना होगा क्या ये छक्का होता, नहीं 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 जनाब, बाली को एक जोरदार शॉट देना होगा। एक बाउंड्री वो कर चुके हैं, कम से कम उनको एक बाउंड्री और चाहिए मैच दिलचस्प करने के लिए। त्रै मारे चार रन बनाने यार, चुप करें दो यार, न कर। और नहीं, लूज हुए और छह हो गए, मैच दिलचस्प होगा जनाब, छह छक्कों का डर। नूरपुर की टीम को जनाब चाहिए होगा तीन छक्के, तीन छक्के चाहिए होंगे नूरपुर की टीम आगे जाने के लिए। कितनी बोतल भरी ने पेट्रोल कटे पैन ने, दूसरा क्वार्टर फाइनल जनाब, दूसरा क्वार्टर दूसरा क्वार्टर फाइनल है जनाब, नूरपुर वर्सेस चार चक। नूरपुर टीम बैटिंग कर रहा को ये मैच जीतने के लिए की जरूरत है। पहली बॉल बालू डॉट, अच्छी बॉलिंग करते हुए चाचे दिनों सबर चार चक। बैटरी बड़ी नमा लाभ लिया, चाली नहीं बवंजा ही चाली है, वाह वाह कर बंदों ना पूरे जाए तो क्या चल रहा है। अच्छी बॉलिंग नहीं नगर को बंदे ही कर दूँ, और शायद क्या बोले, अच्छी बॉलिंग लाइक करते रहें वीडियो, जोंदे रहो जागते रहो सुखी रहो। फिर से बीट हो, डॉट 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 डॉट, तीन बॉलें डॉट हो चुकी हैं जनाब, तीन छक्के चाहिए होंगे नूरपुर को सेमीफाइनल में जाने के लिए, नहीं तो फिर वापसी का रास्ता इख्तियार करना होगा। और यहाँ पे बहुत ही एहसान अगर लगाते हैं एहसान तो ये मैच टाइम हो जाएगा। एक ही लाया के पता ही नहीं निकल बंजे।
बॉल हो जाए। मुश्किल हो गया जनाब, मुश्किल हो गया नूरपुर के लिए, मुश्किल हो गया मैच। दो छक्के और चाहिए, जितना ही कौन एक मेरे दिन बराबर। मुश्किल हो गया जनाब नूरपुर के लिए ये मैच। चार चाक की टीम अच्छा परफॉर्म करते हुए तेरी और ये बॉल और इस बॉल पे इसी तरह मैच बराबर हो चुका है। जनाब मैच हो गया बराबर, अब फिर दो दो या तीन तीन बालें होंगी, दो दो बालें होंगी जनाब। मैच बराबर हो गया, नूरपुर ने वापसी की है, एक छक्का लगा के एंड पे मैच बराबर हो गया जनाब, लेवल हो गया मैच, दो दो बालें और होंगी। तीन बालें होंगी जनाब, दो दो बाले होंगे जनाब, तीन दो त्रै त्रै तीन बाले होंगे। दूसरा क्वार्टर फाइनल, बॉलर की एंड पे बुरी बॉलिंग, ढीले पड़ गए थे, बैट्समैन ने अच्छा फायदा उठाया, दो छक्के लगा दिए। अच्छी बॉल, सवर की अच्छी बॉल, पेस के साथ दूसरी बॉल नो बॉल, अंपायर का इशारा लोजी की जानब से नो बॉल। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। नहीं मैं दिल से हमारा टूर्नामेंट हो रहा है, मैं अभी तक ग्राउंड में बैठा हूँ जी। जी मैं बिल्कुल, मेरा उनसे भी रब्ता हो गया, वो मुझे लॉगिन देने के लिए रेडी हैं, लेकिन मैं अभी बैठा इधर ग्राउंड में हूँ, मैं जैसे ही वापस जाता हूँ मैं आपको लेके सामने आ जाऊंगा। जी जी आपकी बात जी, कोशिश कीजिएगा ना कि जो आपने वहाँ पे ईमेल चेंज करना हो, आप ये कीजिएगा कि कोई ऐसा मोबाइल नंबर दीजिएगा जिस पे पहले। हाँ जी, और जो आप ईमेल के लिए रिकवरी मोबाइल में यूज हो रहा है किसी और के पास ना हो, स्क्रीन साफ कर दे मेहरबानी, शुक्रिया आपके तमाम का। बार बचा लिया है मैच, शाबाश। फ्रेश मैं ना आपको फ्री होकर समझाता हूँ ठीक से मजीद डिटेल में जी, माइंड नहीं कीजिएगा, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आखिरी बॉल नौ हो गई थी जनाब, अब उनका ओवर इख्तिताम को पहुंचा है, तीन बॉलों का ओवर पांच बॉलों पे किया उन्होंने, नौ रन आज स्कोर जनाब उन्होंने बनाया, नौ रन का हदफ है जनाब चार चार की टीम को। बॉल ही अच्छे बैट्समैन है लेकिन शहजादी बड़े बॉलर हैं, ये मैच जीतने के लिए नौ रन करने होंगे बिलाल फ्रॉम चार चार। अच्छा मैच चल रहा है जनाब, यहाँ पे क्वार्टर फाइनल के राउंड शुरू हो गए हैं। जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में जाएगी, नौ रन का टारगेट है जनाब तीन बालों पे चार चक की टीम के पास। खुर्रम शहजाद बॉलर,
प्ले बॉल करने लगे, नौ बॉल स्कोर करने हैं उनको तीन बॉलों में। पहली बॉल दो बॉलों पे दो छक्के जनाब, दो बॉलों पे दो छक्के लगाने होंगे उनको ये मैच जीतने के लिए। इसकी अब की बार चार छक्के लिए मैच मुश्किल होता है। और छक्का, फुल टॉस बॉल पे छक्का, मैच दिलचस्प हो गया जनाब। एक बॉल छह रन, बहुत ही दिलचस्प मैच। एक बॉल पे छह रन चाहिए चार छक्के आगे आगे जाने के लिए। अब मारना तो छक्का ही नहीं भाई, तीन रन रहते हैं, नौ का हदफ था, लेकिन इस बॉल पे उनको छक्का लगाना होगा जीतने के लिए। एक बॉल पे छह रन, बहुत दिलचस्प मैच। जीतने वाला सेमीफाइनल में जाएगा, हारने वाला वापस। और यहाँ पे देखना होगा चार रन, नहीं 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 नहीं, चार चाक के लिए मुश्किल होगा जनाब। थोड़ी सी शॉर्ट पावर वाली होती तो छह रन हो सकते थे, लेकिन जनाब चार चाक को वापस जाना होगा। नूरपुर पहुंची सेमीफाइनल में, दो सेमीफाइनल में अब तक टीमें जा चुकी हैं, एक है जनाब नूरपुर और एक है सत्रह चाक। अब होगा तीसरा क्वार्टर फाइनल। तीसरा क्वार्टर फाइनल है जनाब, दो क्वार्टर फाइनल हो गए नूरपुर और जा चुकी है सत्रह चाक जनाब सेमीफाइनल। अजय को नाच गई है घरों मशहूर अठारह चाक वर्सेस। हाँ जी 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 ठीक था सर, थोड़ा कि मैच है आई कोई नहीं, तो सौ रन दी सैदल लगाई कोई नहीं, काम तो छुट्टी आई। हेलो 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 अठारह चाक वर्सेस लग मोड़, अगला मैच है जनाब, तीसरा क्वार्टर फाइनल, अठारह चाक वर्सेस लग मोड़। आसिफ बैटिंग कर रहा है, आसिफ लग मोड़ और उनका साथ बॉल पे दे रहे हैं पेचक और जफर। आए कोई नहीं मका, पहली बॉल जनाब, और यहाँ पे पहली बॉल पे नहीं जनाब, थोड़ी सी और शॉट लगानी थी, कुछ भी नहीं हुआ जनाब, चार रन हुए लेकिन काउंट नहीं होंगे। तीसरा बड़ा क्वार्टर फाइनल लग मोड़ से वर्सेस अठराचा। आसिफ बैट्समैन है, रोटी जा रहे हो गाने ला के बंद सहना मन रोटी जाओ ना माता नहीं मुझे। और नहीं इस बार नहीं, इस बार वैरायटी नहीं चली, बहुत ही अच्छा लंबा शॉट आसिफ लग मोड़ का छह रन के लिए, बहुत अच्छी बहुत ही अच्छी शॉट। बड़ा क्वार्टर फाइनल जनाब, सत्या
वैरायटी की जनाब इस बार फिर से वैरायटी की लेट हुए जनाब लंबा क्या खेलना चाहते थे आसिफ लक मोड है जनाब बैट्समैन अच्छे बैट्समैन है एक छक्का लगा चुके हैं लेकिन बीट बहुत बार हो चुके हैं अदील अच्छी बॉलिंग करते हैं और यहां पे एक लंबा शॉट जो उनको चाहिए था जनाब छह रन हो गई है बहुत अच्छा और यहाँ पे एक और लंबा शॉट अच्छी बैटिंग आसिफ की जनाब छह रन बहुत ही अच्छी बैटिंग बहुत अच्छी बैटिंग आसिफ लखमोड़ की लास्ट बॉल करेंगे शायद बेट हुए और इसी तरह तीन छक्के जनाब चार छक्कों का टारगेट है जनाब अगर बॉलर एक्स्ट्रा करते हैं तो एक छक्का कम हो जाएगा नहीं तो चार छक्के करने होंगे जफर जफर सुपारी जफर 18 चाक को चार छक्के करने होंगे जीतने के लिए अगर बॉलर वाइड करते हैं तो एक छक्का काम हो जाएगा आसिफ लग मोड़ की अच्छी बैठी देखने वाले तमाम भाइयों से गुजारिश है कि लाइव को अपनी फेसबुक आईडी पर जरूर शेयर कर दें पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर दें पहली बॉल स्लो अठारह छक्के बैट्समैन बीट हुए सर पहली बॉल बीट चार छक्के चाहिए लग मोड़ की टीम उम्मीद के साथ दूसरी बॉल भी हुई बीट बहुत ही अच्छी बॉल अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं जनाब लक मोड़ के बॉल और बहुत ही अच्छी बॉल स्पीड के साथ तीन बॉलें बीट हो चुकी हैं जनाब मैच लेवल करने के लिए 18 छक्के के प्लेयर को तीन छक्के लगाने होंगे समझ आंदी भाई तू भूखा बैठा रोटी जो स्पीकर कोई नहीं देने इस बॉल पे मैच है जनाब अगर ये बीट होती है तो और नहीं इस बॉल पे छक्का जनाब 18 छक्के प्लेयर की जानिब से अगर मैच लेवल करना है बराबर करना है तो इनको दो बॉलों पे दो छक्के लगाने होंगे अच्छी बॉलिंग करते हुए इरफान इरफान अच्छी बॉलिंग करते हुए एक बॉल बीट करवानी होगी उनको स्पीड के साथ निकालेंगे और वही हुआ कैच उठा जनाब और बहुत ही अच्छा कैच बहुत ही अच्छा कैच जनाब ये मैच 18 छक्के हार गए 18 छक्के को जाना होगा वापस तीसरी सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम जनाब लक मोड़ की टीम है आसिफ लक मोड़ के प्लेयर सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं ज़हीर नूरपुर की टीम एहसान नूरपुर ज़हीर 17 चार आसिफ लक मोड़ ये तीन टीमें जनाब पहुंच चुकी हैं सेमीफाइनल में वेल डन इरफान कांग्रेचुलेशन इरफान साहब चले गए जनाब बहुत अच्छा खेले हैं इरफान और आसिफ
सेमी फाइनल में तीन टीमें पहुंच चुकी हैं जनाब, आखिरी क्वार्टर फाइनल अभी स्टार्ट हो गया। 18 छक्के वर्सेस 5 छक्के, पांच चाक वर्सेस 18 चाक का आखिरी क्वार्टर फाइनल जनाब। जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में, हारने वाली टीम बाकियों की तरह घर, वकार की तरह घर। प्ले बॉल जनाब, वकास गुजर अच्छे बॉलर हैं, स्पीड पेस लेंथ सब कुछ, और पहली बॉल बहुत ही अच्छी बॉल जनाब, बीट हुए बाबर 18 चाक बीट हुए। अच्छी बॉल वकास गुजर की, बाबर बीट होते हुए। बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए तीन टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। जईद 17 चक, एहसान नूरपुर, आसिफ लखनऊ, चौथा क्वार्टर फाइनल जारी है जनाब, जहां से जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में जाएगी। बड़ा क्वार्टर फाइनल, यहां पे दो रन मिलेंगे लेकिन काउंट नहीं होंगे। वकास गुज्जर की बहुत अच्छी बॉलिंग, तीन बॉलें मुकम्मल बीट करवा चुके हैं। साइड पे होइएगा, थोड़ा पास साइड पे होइएगा, उमर भाई थोड़ा साइड पे होइएगा। समी गिर गया, गुलजार ने फोन कराओ यार, गुलजार शाह जी, उमर उमर बाबे गुलजार ने फोन कराओ, बाबे गुलजार ने छोटे ओ छोटे पुत्रा जी और बोल्ड कर दिया जनाब, वकास गुज्जर ने बोल्ड कर दिया, दो माइनस हो गए जनाब, पहले उनके पास कोई स्कोर नहीं था, फिर दो माइनस हो गए। पहला सेमीफाइनल जी, वेल डन आसिफ सुल्तान, कांग्रेचुलेशन जी आसिम राजा साहब, आसिफ सुल्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। बड़ा क्वार्टर फाइनल हो रहा है, वकास गुज्जर बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए, उनके साथ अली अच्छे बैट्समैन है, और यहाँ पे 6 रन बाबर ने अच्छा शॉट लगाया, 6 रन मिले जनाब। चार रन है जनाब अभी इनके पास, एक छक्के का टारगेट, अभी अगर ये बीट करते हैं फिर भी मुखालिफ टीम को मिलेगा, एक छक्का इनको और लगाना होगा उनको दो छक्कों का टारगेट देने के लिए। और यहाँ पे एक और अच्छा शॉट बाबर 18 चाक की तरफ से, बहुत ही अच्छा शॉट, वकास गुज्जर खुद हैरान हो गया, यॉर्कर लेंथ को पिक किया है, स्ट्रेट की तरफ खेला 6 रन के लिए। इनके साथ हैं अली 5 चक, अच्छे बैट्समैन हैं, सलाहियत रखते हैं ये चेज करने की, देखते हैं कौन जीतता है, कौन बनता है इस मैच का फादर, जिसका मुकद्दर साथ देगी वो ये टीम जीत जाएगी, जीतने वाली जाएगी सेमीफाइनल। सेमीफाइनल में तीन टीमें पहुंच चुकी हैं जनाब, 17 चाक, लखमोर, नूरपुर, और यहां से चौथी टीम जाएगी। चौथा बड़ा क्वार्टर फाइनल जनाब, जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में।
18 चौक की टीम बॉलिंग पे, 5 चौक की बैटिंग पे, क्वार्टर फाइनल पहली बॉल के लिए आए हैं, लेकिन नहीं, जुल्फिकार अच्छे बॉलर हैं, अच्छी बॉलिंग कराई अब तो, 2 छक्कों का हदफ है जनाब 5 चौक की टीम के पास। वाइड का जनाब इशू बंदे हुए, वाइड बार यहाँ पे वाइड बॉल का इशू बना था, लेकिन अंपायर का फैसला आदमी होगा, अंपायर के साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा। शायद इन्होंने इनको छक्का लगाना मुश्किल हो रहा है। जुल्फिकार की बेहतरीन बढ़िया बॉलिंग है, अभी 4 रनों पे 2 सिक्स चाहिए। दो छक्के लगाने होंगे जनाब इनको जीतने के लिए। क्या बात, ठीक है। आखिरी क्वार्टर फाइनल है, जीतने वाली टीम सेमीफाइनल। लखनऊ ने क्या जीत कर पहले जो है बैटिंग नहीं, मुश्किल हो रहा है 5 चौक को जीतने के लिए। 18 चौक की बहुत अच्छी बॉलिंग, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, 2 बॉलिंग 2 सिक्स, अगर ये मैच जीतना है तो बहुत अच्छी बॉलिंग जनाब। अच्छी, बहुत अच्छी बॉलिंग, सिर्फ 2 छक्के चाहिए थली को, पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बैटिंग की, लेकिन यहाँ पे आके ढीले पड़ गए। अच्छी बॉलिंग उनकी, लास्ट बॉल है जनाब, और इस बॉल पे छक्का, लेकिन ये कोई फायदा नहीं देगा, बाहर होगा जनाब। 18 चौक की टीम सेमीफाइनल में, 4 टीमें सेमीफाइनल में जनाब, 18 चौक, सारा चौक लखमोड़ और नूरपुर की गेम, पहला सेमीफाइनल जनाब शुरू होने लगा है, नूरपुर वर्सेस लखमोड़, पहला सेमीफाइनल जनाब, टॉस हो चुका है, लखमोड़ पहले करेगी बैटिंग, आसिफ शाह किट आउट किट करके आ रहे हैं। जनाब पहला सेमीफाइनल होने जा रहा है, नूरपुर वर्सेस लखमोड़, अच्छी टीमें हैं, बड़ा नहीं उतना होना था। 18 चक वर्सेस 17 चक होगा, लखमोड़ वर्सेस नूरपुर हो रहा है जनाब, लखमोड़ की टीम बैटिंग पे है, नूरपुर बॉलिंग पे है। मैं
मोबाइल लाभ लेना मत पहला सेमीफाइनल जनाब लग मोड पर प्ले बॉल जनाब बॉलर है एहसान के बहुत ही उमदा बॉलिंग कर रहे हैं सुबह की कोई शक नहीं आसिफ देख ले मैच जीते जाते हैं जनाब हमारे चौथे मोबाइल की बैटरी लोग मोबाइल चेंज करने लगे हैं लेकिन ये सेमीफाइनल के बाद और अच्छा शॉट आसिफ लग मोड का बहुत अच्छा शॉट 6 रन बहुत ही अच्छी बैटिंग अब तक टूर्नामेंट में करते हुए आसिफ लग मोड पूरम से बात अच्छी बॉलिंग बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए लेकिन अच्छी बैटिंग करते हुए आसिफ लग मोड आए हैं बॉल करने के लिए और यहाँ पे बीट हुए पीछे पीछे बीट हुए जनाब अब तक सिर्फ एक बाउंड्री लगाई आसिफ लग मोड ने मैच दिलचस्प करने के लिए कम से कम एक और बाउंड्री या दो बाउंड्री लगा दे बहुत बेस्ट है और यहाँ पे फिर से बॉल हुई बीट जनाब बॉल हुई जनाब बीट लास्ट बॉल है बाउंड्री लगानी होगी जनाब आसिफ लग मोड को भाई 18 चक किसके साथ 18 चक का मैच जनाब 17 चक के साथ 17 चक की एक टीम सेमीफाइनल में है 18 चक वर्सेस 17 चक होगा 18 चक में जनाब बाबर की टीम आगे पहुंच गई लास्ट बॉल करने के लिए आ रहे हैं जनाब यहाँ पे अच्छी बॉल की उन्होंने सिर्फ एक बाउंड्री लगी एक बॉल रहती है सर बढ़िया बॉल बॉलर की जानिब से एफर्ट करते हुए 5 बॉल 7 रन बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए लास्ट बॉल जनाब हुई बीट सिर्फ 2 छक्कों का टारगेट है जनाब नूरपुर के साथ